हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉर्डर प्रिंट वाले सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। जैसे आजकल मार्केट में जो फैब्रिक आता है उसमें प्रिंट दिया होता है, बॉर्डर होता है दोनों तरफ, उसके प्लाजो तो आसानी से बन जाता है लेकिन सलवार कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो ही मैं आप आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने जो सलवार का फैब्रिक लिया है इसमें से प्लाजो भी बन जाएगा लेकिन मुझे इसका सलवार बनाना है। तो इस तरह से इसके बॉर्डर है और ये एक साइड है और दूसरी साइड भी इसके ऊपर ऐसे जो बॉर्डर है, और इसकी हम सलवार की कटिंग करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर निशान लगा लेंगे। जी देखिए, इस तरह से रॉन्ग साइड पर निशान लगाने के बाद अब इसे हम जहां से ऐसे फोल्ड करेंगे, जी देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम जहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे, लेंथ हमारे पास 31.5 इंच है लेकिन जो हम कटिंग करेंगे वो 32.5 इंच की इसकी कटिंग करेंगे। 31.5 इंच इसकी लेंथ है सलवार की और 32.5 इंच हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसको हम जहाँ से कट कर लेंगे और जो फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है, देखिए जी हमारा एक पार्ट कट हो चुका है सलवार का, अब हम दूसरे पार्ट को कट करेंगे। तो इसको हम साइड में कर देते हैं और दूसरे बॉर्डर को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से, और ऐसे फोल्ड करते हुए इसको भी हम 32.5 इंच की इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ से रखते हुए 32.5 इंच पर इसको कट करेंगे। देखिए इस तरह से जे हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम सलवार की बेल्ट की कटिंग करेंगे, इसको हम साइड में कर देते हैं और जहां से फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जी हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं सलवार की, और इसकी जो लेंथ रखेंगे हम वो हम 8 इंच रखेंगे। जो फोल्ड है डबल फोल्ड में हमने फैब्रिक को किया हुआ है और इसको जहाँ से कट कर लेंगे 8 इंच का निशान लगाते हुए। जी देखिए इस तरह से कट करने के बाद अब हम जहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए जो बेल्ट है हमारे पास 23 इंच है तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम नीचे से कट करेंगे। और ऐसे जो हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है और 5.5 इंच रखते हुए बाकी हम नेपी में फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच नीचे हमारा प्लेट्स में चला जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास 5 इंच बेल्ट तैयार रह जाएगी। अब हम इस फैब्रिक को फिर से अच्छे से सेट करेंगे। जो इसकी बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है, खुली हुई साइड आपकी तरफ है। जी देखिए ऐसे। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे, जी देखिए इस तरह से, और ऐसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। जी देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद अब इसे हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर हम इस तरह से इसे रख लेंगे। जी देखिए जी हमारे पास जो फैब्रिक है ये 4 लेयर में है, जी देखिए इस तरह से ये 4 लेयर में है, और इसी तरह से जो जे वाला पार्ट्स वाला फैब्रिक है ये भी 4 लेयर में है। अब हम जहाँ पर पोंचे का निशान लगाएंगे, पोंचा हमारे पास 7 इंच है तो उसमें से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे, और उसके बाद जहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे 11 इंच पर,
इस निशान को हम ऐसे दूसरे निशान के साथ इस तरह से मैच कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से एंची टेप की हेल्प लेते हुए इस तरह से इसे तिरछे में मैच कर लेंगे। अब हमने जो निशान लगाए हैं, इन निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे जहां तक। जी देखिए ऐसे। और जहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे, जी देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। और जहाँ से भी हम इसे कट करेंगे और इस फैब्रिक को हम अपने पोंचे में यूज़ करेंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ मैंने आपको इसकी कटिंग करना बताया है। और इसका बॉर्डर भी हमने कहीं से भी कट नहीं किया है, एकदम पोंचे के ऊपर सेट रहा है। और ये हमारी सलवार की बेल्ट है। अगर आपको हमारी ये कटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। आपको हमारी ये कटिंग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।